हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक राइडर। और आज की इस वीडियो में मैं वी एस सस्पेंशन सेटअप करके आपको दिखाने वाला हूँ, एडजस्ट करके। रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक हो, आपको इसमें मिलता है 6 स्टेप एडजस्टेबल डुअल शॉक एब्जॉर्बर, और उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं इस टूल की यूज से। ये इसे कहते हैं सी स्पैनर, और ये आपके टूल बॉक्स में मिल जाता है। तो बस आपको करना क्या रहता है, देखिए, ये एज ए मीटियोर का मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक आपकी फर्स्ट नॉच पे सेट होके आती है। और ऐसे ही आपके, ये देख सकते हैं आप, ये नॉच, ठीक, ऐसे ही आपके 6 नॉच हैं, 1 2 उसके बाद 3 4 5 6, 6 हैं, और आप 6 स्टेप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब रिकमेंडेड होता है कि अलग अलग, जैसा मतलब जो एक जिस नॉच पे एक साइड है, डबल मतलब दोनों साइड एक ही नॉच पे होना चाहिए। अगर आप सेकंड लेवल पे इसे एडजस्ट कर रहे हैं तो उस साइड भी सेकंड लेवल पे ही होना चाहिए, थर्ड लेवल पे एडजस्ट कर रहे हैं तो उस साइड भी थर्ड लेवल पे होना चाहिए। तो दोनों को सेम रखना है, आपको सेम नॉच पे एडजस्ट करना है, ठीक है। अब आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ इस वीडियो में। जस्ट आपको ये सी स्पैनर चाहिए, और आपको करना क्या है, आप जिस साइड एडजस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप जब, अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आप इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो इंक्रीज होगा, मतलब फर्स्ट नॉच पे है, सेकंड नॉच पे जाएगा, थर्ड नॉच पे जाएगा, जैसे जैसे आप घुमाते जाएंगे क्लॉकवाइज। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो फिर ये जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, थर्ड पे है तो फिर सेकंड पे आ जाएगा, फिर फर्स्ट पे आ जाएगा। तो मीटियोर के मैनुअल में क्या रिकमेंडेड है मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है, बाकी आप अपने वेट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, आपको ये जो सी स्पैनर है वो, ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना हुआ है ना, ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, इन्हीं में ऐसे फंसाना है, ठीक है, ऐसे फंसता है ये, और उसके बाद टर्न करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नॉच पे है। अब अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो आपको ये बड़ा वाला साइड इस साइड रखना है एंटी क्लॉकवाइज, और फिर इसे ऐसे फंसा के, देखिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको कुछ इस तरह, मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है, ऐसे घुमा के उसके बाद आपको सिंपली टर्न करना है, ये घूम गया, ये देखिए सेकेंड नॉच पे आ गया, ठीक। ऐसे ही आप वेट के हिसाब से, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे इंक्रीज करते जाइए, 6 नॉच तक ये इंक्रीज होगा। याद रखिएगा जिस नॉच पे एक साइड रखिएगा, मतलब तो लेफ्ट, अगर राइट साइड आपका थर्ड नॉच पे है तो उस साइड भी थर्ड नॉच पे होना चाहिए, सेम रखना है आपको, ठीक है, अलग अलग नहीं करना है वरना दिक्कत हो जाएगी बाइक में, ठीक है। अब अगर आपको डिक्रीज करना है, ये इस तरह आप रखिए, और कुछ इस तरह रख के इसे फिर से आप जैसे ही घुमाएंगे, कैमरा एक हाथ से पकड़ा हुआ है इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ी, जैसे ही घुमाएंगे आप, ये फिर से फर्स्ट नॉच पे हो गया, ठीक। तो कुछ इसी तरह आपको ये सस्पेंशन आपको एडजस्ट कर सकते हैं, अपना सस्पेंशन मीटियोर का, हर रॉयल एनफील्ड की बाइक का, हर जो भी बाइक आती है सब में ऐसे ही एडजस्ट होता है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।